तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से कैसे लिंक करना है। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ये प्रोसेस से आप इजीली मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। और आपका आधार कार्ड अगर किसी भी तरह से मिसप्लेस हो गया तो भी आप रिप्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप ऑर्डर कर देंगे 50 रुपीज़ पे करेंगे तो ये आपको घर तक पहुँचा देगा आधार कार्ड। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं प्रोसेस। तो गूगल में जाना है आपको और यहाँ पे लिखना है UIDAI, ये लिख के आपको सर्च कर देना है और जो भी फर्स्ट वेबसाइट आ रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये वेबसाइट है, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ UIDAI.gov.in। यहाँ पे देखिए गेट आधार में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओल्डर आधार कार्ड रिप्रिंट, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और करते ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे मैं आधार नंबर डाल देता हूँ, 12 डिजिट का जो भी आधार नंबर है आप वो डाल सकते हो। आधार नंबर डाल दिए और उसके बाद ये भी सिक्योरिटी कोड डाल दीजिए। और इसके बाद अगर आप मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पे सेंड OTP कर दीजिए, आपके मोबाइल में तभी एक OTP आ जाएगा और OTP को आप यहाँ पे एंटर करना है। मुझे OTP आ चुका है, अब मैं यहाँ पे OTP एंटर कर दूंगा। चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही देखिए वेरीफाई योर आधार डिटेल्स पे आएगा। तो आप जो भी मोबाइल नंबर डाला है यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप मैं चला जाता हूँ मेक पेमेंट पे और ये आपको 50 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पे 50 रुपीज़। तो यहाँ पे आप UPI से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। तो मैं UPI के थ्रू करूँगा। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हो। गूगल पे से कर देता हूँ। तो जो भी गूगल पे का ID है वो आप डाल सकते हो और इधर से इजीली पेमेंट हो जाएगा। तो जस्ट आप गूगल पे ओपन कर लो अपने फ़ोन पे और उसके बाद लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद आपका जो भी ID है वो आपका जो लोगो दिख रहा है नेम के ऊपर उस पर आप क्लिक कर दो और वहाँ पर आपको अपना ID दिख जाएगा। ये मेरा ID है और यहाँ पर वेरीफाई कर लेता हूँ, वेरीफाइड है। तो प्रोसीड टू पे करता हूँ अभी। अब यहाँ पे गूगल मोबाइल ऐप ओपन करने के लिए बोला और ऑथराइज दिस पेमेंट करना पड़ेगा। और बिल्कुल गूगल पे का नीचे आ जाएंगे तो मोबाइल पे आपको सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो जो पेंडिंग पेमेंट है फास्ट वही आपको दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और 50 रुपीज़ पे कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 50 रुपीज़। मेरा जैसे 50 रुपीज़ पे हो गया, देखिए रिडायरेक्ट हो गया और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया और 50 रुपीज़ पे हो चुका है। और मैं डाउनलोड कर लेता हूँ आपसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये क्या आया हुआ है, कौन से एड्रेस पे जाएगा। देखिए ये है, सक्सेसफुली आ गया। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ स्टेटस में। और आप ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हो। अब फिर से यहाँ पर माई आधार पे चले जाइए और डाउनलोड आधार पर मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पर आप कैप्चा फिल कर दीजिए और यहाँ पे देखिए आपको फेस दिखना पड़ेगा, ज़रूरी है। आप आपका लैपटॉप पे आप कर रहे हो तो कैमरा ओपन हो जाएगा, मोबाइल पे कर रहे हो तो मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। इधर से डाउनलोड कर सकते हो, कर देंगे तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।